बिहार पंचायत चुनाव का निर्वाचन इस बार कई मायनों में बंदरा में दिलचस्प रहा। बंदरा प्रखंड में ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आए। ए टू जेड न्यूज लाइव आपको पहले भी आगाह करता रहा है कि जो फीडबैक मिलता है, लोगों का मन मिजाज जो बताता है, उसके मुताबिक 80% से ज्यादा पदों पर अब की बार बदलाव होगा। बंदरा प्रखंड में कुछ पदों पर ही पुराने चेहरा पुनर्वापसी कर सका, जबकि ज्यादातर पदों पर अब की बार बदलाव सामने आया। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान मतों की गिनती की जो प्रक्रिया हुई और जो रुझान आए, जो ताज़ा परिणाम आए, वो काफ़ी चौंकाने वाला था। बंदरा प्रखंड में कुल 17 पंचायत समिति सदस्य की लड़ाई हुई। इस बार पंचायत समिति सदस्य पद के ज़्यादातर पदों पर नए चेहरे सामने आए हैं। कुछ ही चेहरे ऐसे थे जो अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो सके। आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से शिव नारायण महतो अब की बार निर्वाचित किए गए, जबकि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से चंदेश्वर राय निर्वाचित किए गए हैं। इसी तरीके से पंचायत समिति पद के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से निर्मला देवी अब की बार निर्वाचित हुई। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से रिंकी कुमारी फिर से निर्वाचित की गई हैं। इसी तरीके से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से सुनील राम अब की बार निर्वाचित किए गए, जबकि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 से सुनील पंडित निर्वाचित किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से संतोष कुमार पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्वाचित किए गए। इसी तरीके से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से जयमंगल रजक अब की बार निर्वाचित किए गए हैं। इसी तरीके से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नसीमा खातून निर्वाचित की गई हैं। उन्होंने दोबारा यह सफलता पाई है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 से सोनी देवी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित की गई हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 से सैयदा शहजादी फातिमा निर्वाचित की गई हैं। उन्होंने भी यह दूसरी बार सफलता पाई है। इसी तरीके से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से उमेश राय निर्वाचित किए गए हैं। उन्होंने पहली बार यह सफलता पाई है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 से सनिरिता कुमारी निर्वाचित की गई। इसी तरीके से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से रेखा देवी निर्वाचित की गई हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 से मधुमाला देवी अब की बार निर्वाचित की गई, जबकि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 से मीना देवी और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से बेबी कुमारी अब की बार पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्वाचित की गई हैं। लिहाजा इस तरीके से बंदरा में कुल 17 में से ज्यादातर पदों पर अब की बार नए चेहरे पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्वाचित किए गए हैं। 24 नवंबर को बंदरा प्रखंड में पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए विभिन्न पदों के लिए मतदान हुए थे, जबकि 26 नवंबर को मतों की गिनती हुई। मतों की गिनती के बाद जो परिणाम आए, प्रत्याशियों को जो मत मिले, उसके आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो कई बातें राजफाश हो जाती है और कई बातें सवालों के घेरे में आती है। लिहाजा बंदरा में जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली के कारण से वोटरों में नाराज़गी दिखी और वोटरों की नाराज़गी और वोटरों का मन मिजाज उनके वोटिंग पर दिखा।